Daily Bulletin is presented by Manu Multispeciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions and by Abdul Karim Muchhale and Sons Cloth Merchants. Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government ETI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हज ने अनाउंस किया है कि जो ज़ाहरीन जो उमरा कर रहे हैं उन्हें उमरा रिपीट करने का मौका नहीं मिलेगा होली मंथ ऑफ रमज़ान में। यहां ओवर क्राउडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है जो रमज़ान के चलते, वहां पर जो है जो पीक सीज़न होता है उमरा का सीज़न जो रमज़ान में काफ़ी सारे लोग करते हैं, तो जो भी लोग कर रहे हैं टू और मोर उमरा पिलग्रिम्स नॉट बी इशू ड्यूरिंग द होली मंथ, इस तरह की बात बताई गई है। वहां पर कंजेशन ज़्यादा हो रहा है और अपॉर्चुनिटी दूसरे लोगों को मिलनी चाहिए, इस तरह की बात बताई जा रही है। तो अपने नज़दीकी ट्रैवल एजेंट से इस बारे में ज़रूर बात करें और ज़्यादा क्लैरिटी लें। उसके बाद रशिया से खबर ला रहे हैं, पुतिन अपना जो है इलेक्शन जीत चुके हैं, 88% वोट्स उन्हें मिल चुके हैं। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑफिशियल रिजल्ट्स, पोल क्लोज हो चुके हैं संडे के रोज़ और वन क्या है, पुतिन ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 88% के करीब में। उसके बाद स्टेट न्यूज़ में खबर बात डालें तो केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, स्टे डाले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीए पर। टीएमसी लीडर ब्रत्यु बासु ने क्वेश्चन किया है बीजेपी एमपी शांतनु ठाकुर का जो स्टेटमेंट, जहां पर फ्रेश अपील की जा रही है सीएए के चलते। उन्होंने बताया कि अगर ठाकुर जो है सिटीजन है और मिनिस्टर पोजीशन होल्ड करें पिछले 5 साल से, ये क्वेश्चन रेज कर रही हैं कि सिटीजनशिप अगेन फिर से लेना ज़रूरी है नहीं, इस तरह की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं सीए को चलते हुए एक हलचल सी मची है। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं शव्वाल उमरा डिलक्स पैकेजेस, जहां पर डिपार्चर है 16 अप्रैल और रिटर्न है 30 अप्रैल। ताज अल रखी मक्का होटल, मदीना होटल है अरकान अल मासी और इसका प्राइस आ रहा है 95,000। कॉल करें स्क्रीन पर आए नंबर पर। उसके बाद नेशनल न्यूज की अगर बात करें तो एक एक्टिविस्ट जो पूना से हैं, उन्होंने एक अहम बात कही है कि रिमूव करें पीएम मोदी जी की इमेजेस पब्लिक प्लेसेस में लोकसभा इलेक्शन से पहले। ये बात लीगल नोटिस भेजी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि ये भी कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। भले ही वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन जो जहाँ पर ऑब्वियस बात है जो ब्रांड इमेज जो क्रिएट होती है, तो वो भी अलाउ नहीं किया जाना चाहिए और पिक्चर्स को निकालना चाहिए गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट प्लेसेस, और फ्री और फेयर कैंपेनिंग का मौका देना चाहिए। क्रिकेट के समर्थक लोगों के लिए खुशखबरी है, आईपीएल 2024 पूरी तरीके से इंडिया में ही होगा। जी हाँ, जय शाह ने ये बात को अश्योर किया है कि इंडिया में इलेक्शंस आने वाले हैं, उसी को चलते हुए थोड़े लोग सोच रहे थे कि थोड़ा आज यहाँ पर होगा या फिर यूएई में होगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा जो है आईपीएल इंडिया में भी होगा। कांग्रेस प्रोटेक्ट करेगी 4% रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए, सीएम रेवंत रेड्डी ने यह बात कही। जहां असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात, इफ्तार दावत, इफ्तार के टाइम होने के बाद ये बताई जा रही है कि जो मुस्लिम को रिजर्वेशन रखा गया है तेलंगाना में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में, उसी बात को चलते हुए लाल बहादुर स्टेडियम में सीएम के इफ्तार में उन्होंने बात बताई और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मालू भट्टी विक्रमका ने भी ये बात बताई। मौसम की आपको रिपोर्ट ला रहे हैं, तो थोड़ा आपको दिख रहा होगा कल से और आज में थोड़ा ठंडी हवाएं बाहर चल रही हैं, क्योंकि बीदर और आसपास के एरिया में कहीं ना कहीं बारिश आ रही है। उसी को चलते गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट और बीदर डिस्ट्रिक्ट को भी नाउकास्ट नोटिस मिली थी कि बारिश आ सकती है। तो होने वाला वक्त मैंने आज आप जो बुलेटिन देख रहे हैं कल, तो कई उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं हल्की सी बारिश हो। उसके बाद हम बता दें आपको कि बॉर्डरिंग जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर जो है सिक्योरिटी टाइट की गई है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि ज़्यादा कुछ कैश वगैरह आप लेकर ना फिरें बिजनेस ताल्लुक से वगैरह करते हैं, क्योंकि कई सारे चेक पोस्ट बनाए गए हैं, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, स्पेशल फोर्स लगाई गई है सभी एरियाज में। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरीफ टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसेश्वर कॉलोनी, अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री मुस्लिम चौक, अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स यदुला कॉलोनी, अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड ओल्ड जवरगी रोड।
उस वक्त गुलबर्गा से बात करें तो आज का सबसे अहम जो ये था वो है HKE इलेक्शंस। हैदराबाद कर्नाटक एजुकेशन सोसाइटी का आज इलेक्शन था प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में। नमोशी जी एक तरफ थे, दूसरी तरफ कामरेड्डी और दूसरी तरफ थे संतोष बिलगुन थी और नमोशी जी की हेड ऑन फाइट थी ये माना जा रहा था, लेकिन सुशील नमोशी ने इलेक्शन जीता है, उन्हें इलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर राजा भीमरली जी को जो है इलेक्ट किया गया है। उसके अलावा भी हम बता दें डॉक्टर किरण देशमुख भी उसमें एक मेंबर हैं, काउंसिल मेंबर, और बहुत सारे लोग ने भी इसमें इलेक्ट हुए हैं। खिदमत मिल्लत सर्विस जो ह्यूमैनिटी ने दावत इफ्तार अरेंज किया था, ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम अंजुमन अंसरुस्सफा जो मदरसा है यतीम खाना है वहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। ये आपको बता दें सिटी प्रेसिडेंट जनाब सोहेल बाबा जुनेदी साहब और जो है बहुत ही उनकी टीम यहाँ पर एक्टिवली काम करी। एडवोकेट वहाज बाबा का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, कई सारे गेस्ट इस इवेंट में मौजूद रहे, आइए देखते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लाल अहमद बॉम्बे सेठ जो कि KPCC के वाइस जो है वो चेयरमैन हैं कर्नाटक के, और उन्होंने आज हमारे साथ बात करते हुए काफ़ी सारी अहम बातें उन्होंने कही है। गोहैश के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जरूर देखें, उसकी शॉर्ट स्नैपसिस आपको मैं दे रहा हूँ। एक्चुअली हमारा जो रोल है इस वक्त पार्टी में जो है ना ऑर्गेनाइजिंग का रोल है, ऑर्गेनाइजिंग में जो है कम्युनिटी को जो है ना इस पार्टी से जुड़ना क्यों इंतहाई जरूरी है। आज के हालात 2014 के बाद जो चेंजेस जिस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए जो है ना हम तमाम मिनॉरिटी के लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स हो या हमारे जो है ना बड़े जो कायदीन हो, वो इस तरफ पार्टी की इस तरफ जो है ना ज़्यादा तवज्जो कौम को जो है ना दिलाना चाहते हैं। कि वजह ये है कि इस पार्टी ही शुरू से आज़ादी के बाद से आज तक जो भी मुसलमानों को जो इस पार्टी में पावर में हिस्सेदार बनी है और जो पुरसकून जिंदगी यहाँ पे एक आम शहरी की तरह, और जितना सबका हक है उतना ही जो है ना एक हमारे कम्युनिटी का भी उतना ही हक है इस देश में, इस तरीके से जो है कांग्रेस को तो अपना हक देते आई है जिस पर किसी को डिस्टर्ब नहीं, राजी नहीं। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जी हाँ, मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू फाइंड योर गिफ्ट, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गिव इट अवे। हेल्थ टिप्स आर ब्रॉट यू बाय अल मिसवा टूर्स एंड ट्रेवल्स। ला रहे हैं शव्वाल उमरा डिलक्स पैकेजेस, यहाँ पर डिपार्चर है 16 अप्रैल और रिटर्न है 30 अप्रैल। ताज अल रखी मक्का होटल, मदीना होटल है अरकान अल मासी, और इसका प्राइस आ रहा है 95,000। कॉल करें स्क्रीन पर नंबर पर। उसके बाद हम बात करते हैं करी लीव्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ओरल हेल्थ इंप्रूव होती है, बेटर डाइजेशन होता है, वेट लॉस के लिए बड़ा अच्छा है, रेस्पिरेटरी इश्यूज के लिए बड़ा अच्छा है, इंप्रूव्ड विजन आपका इससे होता है। कॉमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय बेग न्यूरोसाइकियाट्री हॉस्पिटल एंड डी एडिक्शन सेंटर, डॉक्टर अब्दुल राफी मुख्तदिर बेग MBBS MD साइकियाट्री कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट, अपोजिट गवर्नमेंट TTI दरगाह रोड SDBT, 24/7 इमरजेंसी साइकियाट्री सर्विसेज। उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन। सबसे पहले कमेंट आया है अखिल अहमद का, लिखे 28 पूरे लाना है भाई आपकी गारंटी, अल्लाह पर भरोसा करिए लिख रहे हैं। बोलोटेक लिख रहे हैं सात अरब गुलबर्ग का रमज़ान सर्वे वीडियो बनाओ फॉर्म सऊदी अरेबिया, देख बिल्कुल रमज़ान का वीडियो भी बनाएंगे हम। फैज़ एंड वसीम जो है हमारी टीम निकलेगी बाहर आप सबका सर्वे करने के लिए। इलेक्शन की फेस न्यूज़ पर भी नज़र रखिए लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो गुलबर्ग विजिट करें सैटरडे को एहतराम करना चाहिए, मिनिस्टर हैं लिख रहे हैं। मोहम्मद मुजाहिद लिख रहे हैं रायचूर पोलिंग की अपडेट है क्या बरें। रायचूर की भी सेम ऑब्वियस बात है, रायचूर की भी वही टाइम पे रहेगी जब से गुलबर्गा की है। इस तरह लोगों ने सलाम किया आप सबको, वालेकुम सलाम। इलेक्शन वोटिंग पीरियड कम करना ज़रूरी है, INC को वोट दो इंडिया को बचाओ लिख रहे हैं ऑन पैसिव। इलेक्शन 4-3 फेज में होना चाहिए लिख रहे हैं KCC इमरान। जाहिद कासिम लिख रहे हैं सब एक होकर वोट करें इस बार जो है वोट को जो है बिटने मतलब डिवाइड होने ना दिखे। तारबा में इमरान शेख बसो कल्याण से आपको क्या लगता है तारबा किसकी सरकार बनेगी, इमरान शेख लिख रहे हैं। देखिए ये तो जर्नलिस्ट के साथ बहुत बड़ा सवाल ये किया गया, लेकिन मैं मानता हूँ जहाँ पर हमारी सिक्योरिटी हो, जहाँ पर हमारी डेमोक्रेसी बची रहो, जहाँ पर हम एकजुट होकर रहें, हिंदू मुस्लिम ना हो, सब एक दूसरे से मिलकर रहें, भाईचारा रहे, वैसे लोग जीतना चाहिए।
अरे बड़े भाई मल्लिकार्जुन को टिकट दियो, कोई रैली करने की जरूरत नहीं है, वन साइड विन होती इंशाल्लाह। दिस टाइम खड़गे जी जिंदाबाद लिख रहे हैं इंडियन किंग। तार भाई एके न्यू नेम है, सुना आ रहा है बॉम्बे कर्नाटक, क्या है ये लिखें? एके न्यू नेम कल्याण कर्नाटक है, बॉम्बे कर्नाटक मतलब पुराना नाम, जैसे राइट साइड जो आता है हैदराबाद को जो लग के हिस्सा है हैदराबाद कर्नाटक बोलते हैं, महाराष्ट्र को जो लग के जो एरिया है बॉम्बे कर्नाटक बोलते हैं। इलेक्शन ऑफिसर्स ये सब पीएम के इशारे पे काम करते हैं, लिख रहे हैं हबीब भाई। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KVN यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड बाय अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लोथ मर्चेंट्स। Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center. Opposite Government ETI, Dargah Road, STBT.